गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ मोहम्मद अदनान। हम कालसेकर कॉलेज से है। आज हमारा 5 दिन का 16 ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हुआ है, तो हम आर्मेट कॉलेज आसन गाँव प्रैक्टिकल व्यू देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर कॉलेज को 80 किलोवाट का ज़रूरत है, जिसमें से 20 किलोवाट है यहाँ पे सोलार से यूज़ करते हैं कॉलेज, जिसमें हम लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 20 किलोवाट जनरेट करने के लिए हम लोग को 64 पैनल की ज़रूरत है, जिसमें से 64 हमने 16 के चार शीट किए हैं, चार सोलह पैनल सीरीज में कनेक्ट किए हैं, फिर 16 पैनल सीरीज में कनेक्ट किए हैं। इसके सीरीज कनेक्शन से इसके सब पे सीरीज कनेक्शन है, एक से प्लस माइनस जो निकलता है उसको जमा करके फिर दूसरे के तीसरे के चौथे के चारों के ले के सेंटर से एक मिडल पाइप निकाले हैं, जिसमें से चार पॉजिटिव चार निगेटिव 8 वायर है टोटल। ये यहाँ से ना डायरेक्ट ले जाके इन्वर्टर में हम लोगों ने सप्लाई किए, वहाँ से फिर हमारे पैरेलल वायर जो है यहाँ पे आके डायरेक्टली यहाँ से डीसीबीबी में गया हुआ है। ये हमारे चार निगेटिव है और ये मेरे चार पॉजिटिव है, चारों ये अंदर गए। और जो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी अगर होता है तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट रखा हुआ है, फ्यूज है इसमें, अगर कुछ भी हो जाएगा तो फ्यूज हमारा खराब हो जाएगा और हमारी पूरी बैट ये जो सेव हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी हो जाता तो ये हमारा वोल्टेज सेव है, इसके अंदर ही जाएगा। अगर कुछ भी हो जाएगा तो ये वोल्टेज हमारा बचा लेता है। यहाँ पे ग्रीन जो दिख रहा है ये हमारा रेड हो जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि वोल्टेज में कुछ मिस्टेक हुआ है, तो हम उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ से हमारा पैरेलली पूरा वायर निकला हुआ है, जो पावर बैंक को गया है, इन्वर्टर को गया हुआ है। इन्वर्टर हमारे एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद में हमारा इसमें आएगा। उसके बाद में यहाँ पे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इसको, अगर पार्टिफॉल कुछ भी अगर होता है तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसको ग्रीन जो है अगर रेड हो जाता है तो समझ लीजिएगा कुछ सर्किट हुआ है, उसको चेंज करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से पैरेलली पूरा हमारा पावर ऊपर से चले गया है, और अगर ये हमारा हाइब्रिड सिस्टम है, अगर कुछ भी लाइट चली जाती है तो हमारा इन्वर्टर काम करना बंद कर देगा। उसके लिए हमने यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ अलग से, अगर हमारी लाइट चली गई तो हमारा इन्वर्टर बंद हो जाएगा, उसके बाद हमारा पूरा करंट इस साइड से जाएगा डायरेक्टली। हमारा नीचे दिया हुआ है पावर बैंक दिया हुआ है, इसमें सेव होगा एनर्जी और हमारे पूरे कॉलेज को इंस्टॉल करके दिया हुआ है।